अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं किचन के लिए कुछ शॉपिंग किया मैंने थोड़ी सी, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी तो मैं अभी वो शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैंने क्या खरीदा और किस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे। तो चलें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये स्टोरेज बॉक्स है, ये इस तरह प्लास्टिक का है और ये हैंडल के साथ है। ये देखें, इसके जो साइड्स है ना उस पे लॉक है। इसका लॉक ओपन करके हम इसको खोलेंगे और इसका ये फायदा है कि फ्रिज में आपने वेजिटेबल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे सैलेड लीव्स होते हैं, उनको हवा की भी ज़रूरत होती है और उनको ठंडी जगह की भी ज़रूरत होती है, तो वो आप इसमें वॉश करके या वैसे भी रख दें फ्रिज में। इसमें अपनी फ्रिज की जो आइटम्स हैं वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट ऐसा हो जो फ्रिज में रखने वाला हो, इसमें डाल के आप इसको कवर कर दें, ऐसे ये लॉक हो जाएगा और ये बॉक्स ईजीली जो है वो फ्रिज के उसके अंदर भी रैक के अंदर ईजीली ये आ सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंड चॉपिंग बोर्ड चाहिए था, मैं जहाँ गई थी फिलहाल मैं ये ले आई हूँ। मुझे वैसे वुड वाला चाहिए था लेकिन वहाँ मुझे वुड वाले में छोटा साइज मिला था, बड़ा मिल नहीं रहा था, तो मैं ये ले आई थी। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। और थर्ड नंबर पे है ये स्प्रे, स्प्रे भी चाहिए था। मेरी जो बॉटल थी वो ख़राब हो गई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं न्यू ले आती हूँ, ये मैं न्यू ले आई हूँ। और ये है हीट पैड, लिखा हुआ है हीट पैड, इसके ऊपर बना भी हुआ है, मतलब आपने कुछ पका लिया और इसमें मेरा ख्याल है 10 है शायद। और ये आप एक मैट निकाल के ये डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ हो सकते हैं और वैसे भी किचन की शेल्फ के लिए वैसे मैं लेके आई हूँ कि जिस तरह दूध बॉईल करके हम चूल्हे से उतार के साइड पर रखते हैं, तो ये मैट सा है, ये रख के इसके ऊपर मैं देख के रखूँगी तो नीचे जो मैट ख़राब होने वाले नहीं है, ना ये जलेंगे ना ये मैट होंगे, तो ये चीज़ भी लाई हूँ मैं। और एक ये मैं सबसे काम की चीज़ लेके आई हूँ, स्पून सेट है, मतलब स्पून इसके अंदर रख सकते हैं, ये बॉक्स बना हुआ है। पहले वाला जो मेरा था वो काफ़ी ख़राब हो गया, वो थोड़ा चेंज था, डिफरेंट था, तो अब मैं ये वाला लेके आई हूँ। इसमें एक में आप फॉक डालें, एक में छोटे स्पून डालें, एक में बड़े डालें और ये कवर भी हो जाता है, गंदे भी नहीं होंगे। और एक कोई आया भी हो तो आराम से हम ये बॉक्स निकाल के तो इसको हम डाइनिंग टेबल पे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी यूज़ हो सकते हैं। और ये बच्चों की पुरजोश फरमाइश पे एक मैंने लाइट ली है। जब मैं छोटी थी ना बचपन में, हमारे ये एक लाइट होती थी जो कि डिफरेंट कलर देती थी। ये मेरी मामा और पापा जब वीडियो देखेंगे ना तो उन्हें याद आएगा कि हमारे पास भी ऐसी एक लाइट होती थी जो कि ना काफ़ी छोटे थे हम तब की थी। और ये अब मुझे फिर ये नज़र आई, वैसे कम ही नज़र आती है ये, मुझे अब फिर नज़र आई तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और इब्राहिम भी कह रहा था कि ये ले लो, उनको अच्छी लगी है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये चीज़ ना नाइस लगी है मुझे। वेट एक ये है स्पून सेट है, ये एक इसमें चावल के लिए स्पून है और एक जो है वो सालन के लिए है, तो ये भी मुझे चाहिए था। ये वाला मेरा जो था वो ख़राब हो गया हुआ था इसलिए मैं अब ये भी न्यू लेके आई हूँ। तो और हाँ, ये इब्राहिम मुझे चीज़ें निकाल निकाल के दे रहा है। और एक ये है स्टेनर, थ्री हैं इसमें, थ्री साइजेज हैं, तो ये भी मैंने ले लिया। मेरी जो थी वो काफ़ी ना ख़राब हो गई भी थी। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने की है। वैसे मैं गई थी डॉलर स्टोर पे, यहाँ मेरे घर के पास ही है, 170 की ईच, जो हर चीज़ जो है वो 170 में मिली है। ये बॉक्स भी जो स्टोरेज बॉक्स है ये भी 170 में मिला है। ये आप कबर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के सॉक्स वगैरह रखने के काम भी आ सकती है, मतलब जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसमें ये इसमें ये इजीली डल सकती है, तो ये उसके लिए यूज़ होगी। आप बताएं आपको मेरा जो आज का ये छोटा सा व्लॉग था आपको कैसा लगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।